अभी जस्ट बैठे बैठे मैंने वहां सुभाष ये देखो हमारे डब्बे कितने आए हैं देखो सेल के, बाप रे, एक एक करके दिखाऊंगी बाद में जैसे जैसे ओपन करूंगी। वो देखो वहां पे स्टैंड रखा हुआ है सब। ये हमने जस्ट एक फनी सा शॉर्ट बनाया है अमेजोन कह रही हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दोनों पे डाला है। सो आई एम श्योर आपने देख लिया होगा। तो आई डोंट नो, अभी तक मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं है। सो इट वॉज सो फनी एक्चुअली। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी ना, आई वॉज वेटिंग फॉर द सेल। छोटे मोटे कपड़े वपड़े तो ले ही लेते, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी थी तो उसके लिए आई वॉज वेटिंग। सो फाइनली पार्सल आई है तो पहला डिलीवरी आया अभी तो। और ऐसे वजह जाए कि और क्या करा है तुमने, ये क्या है, कहाँ रखेंगे? जाता हूँ छोटी मान बारिश में, उसके हाइट से भी ऊपर चला गया डब्बों का स्टाइल। दिखाऊं आइडिया का, ये देखो आइडिया सो के उठ के आगे चौंगे कि क्या है ये, क्या हो सकता है? आपके गिफ्ट्स है, आपके गिफ्ट्स तो है लेकिन आपके नहीं, मेरे हैं। टू माई सेल्फ, गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी। जो मुंह दो, मुझे लगा था अमेजोन का डब्बा है ये तो, बड़े वही है जो मैंने ऑर्डर किया है, इतना गिफ्ट रैप करके भेजा है। सो फिर चल दिया हम लोग। मतलब मॉनसून में घर पे बैठना तो ऐसा है कि भाई अपमान है मॉनसून का। और पुणे के आसपास इतनी जगह है ना निकलने के लिए, बारिश हो तो बस निकल जाओ, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम भी वैसे ही निकल गए, कुछ बांधने करके है पुणे से हिंजेवाड़ी साइड से थोड़ा सा आगे जाके, तो वहाँ ही जा रहे हैं। सो लेट्स सी क्या मिलता है, बट दिस इज ऑसम। तो जस्ट बैठ के थोड़ी देर हमने यहाँ पे वड़ा पाव चाय वगैरह खाया। सो यही मज़े है, यू नो, निकल जाओ बारिश में, चाय वड़ा पाव खाओ, दिस इज लाइक टिपिकल मानसून, दिस इज हाउ यू इन्जॉय इन मानसून। लुक एट दी ब्यूटी, हम ऐसे जगह पे आए ना जहाँ पे ज्यादा लोग हैं नहीं, तो कितना सुंदर है ये, जस्ट लश ग्रीन, वाओ अमेजिंग। ये रही हमारी आज की गैंग। हेलो बर्थडे गर्ल्स, टूटू बर्थडे गर्ल्स के बर्थडे चलेगा, एक साल बाद आएंगे वापस। वो तो सर उधर पहुंचा हुआ है ऊपर, उधर एक छोटा सा वाटरफॉल नहा भी लिया वो सुभाष जा रहा है, वो तुषार ऊपर। Moon, I'm there soon. I'm leaving quite early tomorrow morning. Undercover baby is what you ask of me. Soon I'll be disguised, shooting star. I'm without a safety net. Give me a ride. I'm going far beyond where the sun sets. बस सच अ रिफ्रेशिंग टाइम, इतना सुंदर है ना कैमरे में ना, ये सब चीज़ें बिल्कुल कितना भी ट्राई करो कैप्चर नहीं होता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत। और ये अभी तक वहीं से आ रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह, बिल्कुल शांत, बहुत सुंदर। सुबह उठ के आइनिया के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। और ना मुझे ये वाला रेसिपी आपके साथ शेयर करना था, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम की कैसे मैं ये वाला पैनकेक बनाती हूँ, बट देन कम्प्लीटली फॉरगॉट। मुझे एकदम से बाद में रियलाइज़ हुआ कि आई डिड नॉट टेक दैट शॉट। सो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर दैट रेसिपी। सो रात को आके काफ़ी लेट हो गया था हमको घर में आते आते, और सुबह उठ के टिफ़िन वगैरह बनाने में ना वो आधा दिमाग काम नहीं करता है ना, वैसा सोती हुई हालत में मतलब ये टिफ़िन वगैरह बना रही हूँ। सो ये देख के ना बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी फ्लफ़ी बनते हैं। तो जब अनन्या स्कूल में खाती है ना तो ऐसे हार्ड नहीं होते हैं, तो इसके ऊपर आप नटेला वगैरह अगर लगा के दो ना तो भी काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, बट अनन्या को ये ऐसे ही पसंद था। मेपल सिरप काफ़ी दिनों से बोल रही है, बट आई एम नॉट श्योर उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो कभी मंगाऊंगी वो, तो आज तो मैंने ऐसे ही दिया।
सो ये पैनकेक का ये है क्योंकि छोटे छोटे साइजेस में बनाना पड़ता है ना, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने दोनों तवे एक साथ चढ़ा दिए। तो अनन्या का टिफ़िन का टाइम भी स्कूल का थोड़ा सा कम हो गया, छोटा हो गया, तो मैंने उसको वही बताया था कि जितना खा सके उतना स्कूल में खा लेना फटाफट, बाकी ना उसको बस के लिए भी वापस जब आती है तब भी चाहिए होता है, तो मैं एक आध एक्स्ट्रा ही रख देती हूँ ताकि वापस आते हुए जब बस में हो ना तब खा ले, और घर में आके मतलब जब तक आए तब तक एटलीस्ट उसका पेट फुल रहे। सो जिम और जुम्बा करने के बाद इतनी भूख लग जाती है, तो मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए स्क्रैम्बल्ड एग। सो चलो बनाते हैं। सो इसमें ना ऐसा कलर मीटर आता है जिससे आपका जो योग का कलर है ना उसको आप कंपेयर कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट सी। ओके, सो लुक एट द साइज ऑफ दिस एग, इतना बड़ा है। तो मैंने कंट्री डिलाइट के एग्स यूज करने स्टार्ट कर दिए हैं, एंड आई मस्ट से आई मेड द राइट डिसीजन फॉर माय हेल्थ। बताती हूँ क्यों। सो बेटा, ये मेरा जो ओल्ड एग है वो मैं ऐसे दिखा रही हूँ बिकॉज मेरी टी शर्ट पे बना ये कैमोफ्लेज हो जाएगा। सो लुक एट द साइज डिफरेंस, आई मीन दिस इज कंट्री डिलाइट और ये मैं जो ओल्ड एग्स में यूज करती थी वो है। सो ये जो एग्स हैं दीज आर रिच इन प्रोटीन, और जो बेस्ट पार्ट है वो है कि दीज आर लेड बाय एंटीबायोटिक फ्री चिकन्स विच आर फेड ऑन ऑल नेचुरल न्यूट्रिएंट रिच फूड। इसके योग का कलर देखो इतना ब्राइट येलो है। रुको, हम पुराने वाले एग का भी जो योग है ना उसको भी इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो ये देखो दोनों के योग के कलर में कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पे मीटर में चेक कर लेते हैं जो मीटर है उसका। सो यू कैन सी दिस इज समवेयर हियर इस साइड में और दिस इज ऑन दिस साइड ब्राइट वाले कलर में। तो यही रीजन है कि मैंने स्विच किया है कंट्री डिलाइट के एग्स पे। इट टेस्ट सो यम, एक्सक्यूज मी। तो ये मेरे बॉडी के प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। सो स्विच टू कंट्री डिलाइट एग्स एंड लिव बेटर। सो यहाँ पे बना रही हूँ लंच, और लंच भी मैं आज बहुत सिंपल बना रही हूँ बिकॉज ना काफ़ी थकान थी, थकान गई नहीं बिकॉज रात को अगर नींद नहीं होती ना पूरा दिन इतना बकवास जाता है। चलो एनीवेज, तो दाल आज ना देखना रेसिपी एंड में, मैंने एक डिफरेंट थोड़ा सा ट्राई किया है जस्ट टू ऐड सम मोर टेस्ट। तो हमेशा पता है आपको दाल के साथ सुभाष को ना धनिया पत्ते की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो चटनी मैंने बनाई थी। तो थोड़ा सा चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ना दाल में डाला था, इसका इतना अमेजिंग टेस्ट आया था। तो कभी ट्राई करना जो नॉर्मल चटनी है ना वो। सो फाइनली तड़का लगा लिया, तो एक्चुअली आज दाल बहुत यम्मी बनी थी। अनन्या दिखाने वाली अपने गिफ्ट्स अभी हैं, वैसे मोस्टली तो आपने देख लिया बर्थडे में, लेकिन फटाफट फटाफट से अनन्या दिखा लो। हाँ, तो पहले इनको रख दो बच्चे को। हाँ, तो पहले आपको याद है जब मेरे बोर्ड पे मम्मी ने बोला मेरी लॉटरी लग गई, मेरी ऑलरेडी अभी तक लॉटरी लगी हुई है। तो कहाँ जाएगी लॉटरी, घर पे रहेगी ना। घर पे रहेगी पर लॉटरी तो हो गई ना। तो ये तीन सेट्स ऑफ बुक है हैरी पॉटर के, अनन्या ने फोर्थ तक पढ़ा हुआ है, तो ये 5, 6, 7 खत्म। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट ये दोनों मेरे मम्मी पापा को मिले थे, पर मेरी एक बहुत स्वीट क्लासमेट है उसका नाम अश्विनी है, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था एक बहुत ही ब्यूटीफुल से डब्बे। सो बेसिकली ये दो हम लेके आए थे, हमको हैरी पॉटर नहीं मिला था, और कोइंसिडेंटली उसकी क्लासमेट ने उसको जो गिफ्ट दिया वो हैरी पॉटर निकला, और उसने सबसे ब्यूटीफुल डब्बे में दिया। हाँ, इस बॉक्स में स्वीट चिकन। चलो नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट क्या है। अभी नेक्स्ट है ये सॉर्टिंग हैट कप, उसका जो एक ऊपर कैप है उसका वो तो मैंने तोड़ दिया, एज यूजुअल आई एम सो केयरलेस। सी यू आर एक्सेप्टिंग नाउ। तो ये मामी प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, ओके, आई एम वेरी केयरलेस, यू नो दैट। तो ये सॉर्टिंग हैट कप, तो केयरफुल होने वाले हो नाउ सिंस यू आर 10 इयर्स। मम्मी को लगता है बेचारे को पोटी बुला दी। चलो अभी नेक्स्ट गिफ्ट पे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट है, मुझे दो दो पाउचेस मिले, एक मुझे मिला है मेरी बेस्टी से और एक मुझे मिला है मामा मामी से। ये भी हैरी पॉटर के पाउचेस हैं। हाँ, ये देखो, मैं आपको याद है लास्ट बार में बोला था एक्सपेक्टो पैट्रोनम। अच्छा, ओके, ये रहा एक्सपेक्टो पैट्रोनम। और मेरी एक और फ्रेंड है जिसने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सी बुक दी, डायरी ऑफ अ विम्पी किड बिग शॉट, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये बाय करना होगा, बहुत सुंदर है। मार्केटिंग कर रही हो क्या यहाँ पे? अनन्या विम्पी किड के पहले भी पढ़े हुए हैं। सो ये उसका नेक्स्ट विम्पी किड है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट है ये बलून। हाँ, ये बलून हम लगाना भूल गए, इसमें सारे वो हाउसेस हैं, ये बलून और एक और वो था ये दोनों, ये पूरे एक बैनर है, तो मे बी हेलोवीन वगैरह में लगाएंगे, ये मैं लगाना भूल गई। मुझे लग रहा था कि मैंने बलून्स ऑर्डर किए हैं कम क्यों है,
क्योंकि ये अंदर रह गए थे. चलो एनीवेज दिस वर नॉट गिफ्ट. नेक्स्ट है यू बेला बिकॉज़ यू आर वेरी ब्यूटीफुल. वेल इजंट इट ऑबवियस. ओके अब इसको खोल के देख. द नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल से ज्वेलरी. पास ले आऊं क्या मैं स्टैंड? रुको मैं पास आ रही हूं. मैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. आप सामान इधर उधर गिराओगे तो ये ब्यूटीफुल से हैरी पॉटर का नेकलेस है. ऐसा नेकलेस या था इन्हें को हैरी पॉटर का. नेक्स्ट. और फिर उसके बाद ये हाउस का बैज जो मम्मा वापस वो करना भूल गई. मेरे को उसके उस पे लगाना था जो ड्रेस अपने पहना था ना उस पे. मम्मा प्लीज स्टैंड को थोड़ा ऊपर कदम ने खड़ी हो रही हूँ. मैं फ्रेम में था तो ऐसे है. ब्रोच दिखाओ पास से. नहीं वो फोकस ऐसा है और पीछे इसका ये लगाने का ऐसा है. नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट और नेकलेस. अब अगर आप पॉटर हेड हो तो आपको स्निच मालूम होगा. तो एक गेम है अगर आपको नहीं पता तो ये गेम है क्विडिच नाम का. तो उसमें एक सीकर होता है जिसको ये स्निच को पकड़ना पड़ता है. बहुत फास्ट होता है स्निचेस और उनको पकड़ने में बहुत हार्ड होता है. ठीक है तो एक मिनट को ये फोकस ही नहीं हो रहा स्निचर तुम्हारा. ये है एक ब्रेसलेट ऐसा और इसका नेकलेस. ये है इसका नेकलेस ऐसा. और क्या बच गया अभी? ये टी शर्ट बच गया है लाइक और कुछ बचा है पर फिर भी. और ये मेरी बेस्टी ने वापस दिया था जिसने मुझे वो सेम पाउच दिया था. ये ब्यूटीफुल सा हॉगवर्ट्स का टी शर्ट बहुत सुंदर है. मेरा फेवरेट टी शर्ट है वो अभी. नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है. ब्लैक कलर अनिया का हैलोवीन हैरी पॉटर. दिखाओ ठीक से दिखाओ पकड़ के. यस लाइक दिस. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सा टूथब्रश. इलेक्ट्रिक टूथब्रश आने को बहुत टाइम से चाहिए था. मे बी मेरे दीदा दादी को लगेगा मेरे दांत बहुत ही गंदे हैं. तो ये इसके नाना नानी ने दिया. दीदा दादू मतलब नाना नानी ऐसे ही प्रेस करके प्रेस करके. तो ये इलेक्ट्रिक है इसके साथ आया कवर है. ये चार्जर है उसका केबल और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है. देखो क्लोज क्लोज इतनी एक्टिंग वाइब्रेशन हो रही है ना. टिकल हो रहा है एक्चुअली. तो यहाँ पे तीन इसके वो हैं मोड्स फास्ट नॉर्मल. हाँ नॉर्मल और वो गम करने का. और दिस इज लाइक दिस. सो नेक्स्ट टॉप है जो मेरी वापस बेस्ट फ्रेंड ने दिया है. सब बेस्ट फ्रेंड्स ही आए थे आपके. तो ये टॉप इतना प्यारा है तो मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट हो गया. ये ब्लैक और ये व्हाइट सिंपल. नेक्स्ट गिफ्ट कौन सा दिखाओ? स्टिकर्स. स्टिकर्स आपने दिखा दिए थे. बहुत सारे पेजेस हैं स्टिकर्स के. मेरा फेवरेट ये वाला है. आप अपना कमेंट करना आपको कौन सा वाला पसंद आया. और दिस इज स्ट्रेंज. वेल ओके नेक्स्ट इज मैजिक वॉन्ड. आपने देखा हुआ था मेरे लास्ट वीडियो में कौन सा स्पेल? पेट्रोनस. पेट्रोनस चार्म. ए आपको नाम कैसे पता चल गया? पता है मैं तो गेस किया भाई. ये इतना सा वॉन्ड है ऐसा 1000 रुपए का. ये फोकस भी नहीं हो रहा है मतलब उसको बहुत टाइम चाहिए. हाँ तो ऐसा 1000 रुपए का ये वॉन्ड है. लेते हुए मैं सोची थी भाई क्या है क्या इसमें इतना ड्यूरल आर्ट. बहुत अच्छा है और मेरी मुझे ड्राइंग भी बहुत पसंद है. तो उन्होंने अच्छे से गेस किया है. नेक्स्ट है मेरा सबसे लास्ट गिफ्ट और ज्यादा फेवरेट गेस इन 10 seconds हैरी पॉटर. जिसमें अनिया ही जीतती है गेम क्योंकि बाकी जितने भी अनिया के फ्रेंड्स हैं और या फिर हम हैं पापा हैं अनिया के मैं हूँ हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में. सो इट्स अ क्लू गेम. आपको कैरेक्टर्स के एक साइड में दिखाओ फोटो होते हैं उसके उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं. तो वो पॉइंट वो बोलता है सामने वाले को गेस करना पड़ेगा. जैसे ये है आपने ये कार्ड आपको मिला हाँ आपको बोलना है कि ये शॉर्ट है क्रीचर है और बिग ईयर्स ये कौन है. तो ये नाम आपको दूसरे वाले टीम को गेस करना होता है. तो ये अनन्या जीतती रहती है इसलिए ये अनन्या का फेवरेट गेम हो गया. सो इस बार अनन्या के ये सारे गिफ्ट पूरा हैलोवीन बन गया हमारा घर. हॉगवर्ट्स बन गया हमारा घर. हॉगवर्ट्स ये रह गया लास्ट अनन्या का मैग्नेटिक बुकमार्क्स. ये दिए थे सामने ऐसे प्रिंट्स हैं और पीछे उनके कुछ तो quotes. ऐसे कोट्स हैं. तो अनन्या ने ये मुझे हरमाइनी वाला बहुत पसंद आया. यहाँ पे लगा हुआ था लगा के दिखो. सो ये ऐसा मैग्नेटिक है ऐसा. उनके पीछे कोट्स भी है. मेरा फेवरेट हरमाइनी है. वन पर्सन कांट फील ऑल दैट एट वंस दैड एक्सप्लोड. चाहे कहने के खत्म ही नहीं हो रहे हम ये भी दिखाना भूल गए. होपफुली यही हो लास्ट. ये हैरी पॉटर और रॉन. रॉन What about me?
और ये हरमाइनी, ये तो तीन के सॉक्स। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखो हालत, और ये हालत के जिम्मेदार ये इंसान है। ये सारे कपड़े सूख गए थे सारे कपड़े सूख गए थे मेरे रात को बाहर रोड पे। मैंने सुभाष को बोला था कि रात कपड़े ना अंदर कर देना, तो सुभाष ने क्या किया, गीले टावल चेक नहीं किया कि टावल गीले पड़े हैं, तो सारे कपड़े इकट्ठे करके यहाँ पे रखे सोफे के ऊपर। हाँ वो अच्छी बात है, लेकिन तुमने गीले टावल सूखे कपड़ों के ऊपर डाल दिए, सारे कपड़े गीले हो गए जुम्मा जाने से पहले। हाथ लगाया था वो सूखे थे। हाँ तो तुमने उसके ऊपर टावल लगा डाल दिए ना, टावल गीले थे सुभाष, टावल सूखे थे जब मेरे हाथ लगे तुम पे। हाँ तो एकदम से गीले हो गए। एनीवेज तो सारे यहाँ पे सोफे पे रख के उसके ऊपर टावल लग दिया, सारे कपड़े ऐसे गीले गीले से हो गए। वापस सुबह मैं यहाँ पे रख के गई, कपड़ों की दुकान लगी है पूरी। रॉड बाहर था, मेरा मन नहीं किया, मैं जो है यहाँ पे ऊपर ऊपर डाल देती हूँ, किसी हवा चाहिए, थोड़ा डैम्प हो गया था। कौन सा रास्ता बंद हो गया? हाँ हाँ करेंगे, अभी क्लियर करेंगे, हो गया बद्दे सब लटक रहा है नीचे, वो कह रहा है बस मेरे को निकालो। सुभाष जी बंद करना यार दरवाजा, हवा आ रही बहुत तेज। सुभाष के लिए बनाई है चाय। सो कल जो इतने सारे डब्बे आए उसमें क्या क्या आए थे बता देती हूँ मैं। कुछ के तो मैं सोच रहा शॉर्ट्स बना लूँ, जैसे मैंने एक रिंग लाइट मंगाया अपने लिए, तो रिंग लाइट का अभी मैं कुछ दिन यूज करूंगी, अच्छा रहेगा, देन आई विल पोस्ट अ शॉर्ट। मोस्ट ऑफली अच्छा ही रहेगा बिकॉज जिस ब्रांड का मंगाया है वो काफी अच्छा है, रिव्यूज देख के मंगाया, बट लेट मी जस्ट यूज इट, उसके बाद आई मेक अ शॉर्ट। इसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी एक बार यूज करने के बाद, तो ये मैं लिंक इनके डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनकेस आप देखना चाहो तो, बट आई विल ब्रिंग अ शॉर्ट वीडियो ऑल्सो, तो इसको अनबॉक्स अभी नहीं कर रही हूँ, एक बार शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। सो ऐसा है ये, तो ये बेसिकली क्या है, अगर आपके घर में लाइट चली जाती है और इन्वर्टर नहीं है, जैसे मोस्टली रेंटल में होता है ना, आपको इन्वर्टर नहीं खरीदना होता है तो, लेकिन आपका कंप्यूटर काफी बार चार्ज रहता है, बैटरी फुल रहती है, लेकिन इंटरनेट की वजह से आप काम नहीं कर पाते हो, सो ये इंटरनेट का इन्वर्टर है, जो आपका राउटर होता है ना वाईफाई का राउटर, उसी का। तो आपका अगर लाइट भी चला जाए तो वाईफाई राउटर कितने घंटे का वो भी देखना पड़ेगा, आई थिंक एक दो घंटे का इसका बैकअप है, एग्जैक्टली डिटेल्स मुझे भी देखने पड़ेंगे, मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था तो मुझे ध्यान भी नहीं है। सो लिंक चार घंटे का मुझे यहाँ पे देख नहीं रहा, खैर जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि वो पूरा डिटेल्स में दे सकूँ, उसमें शॉर्ट्स बनाऊंगी, शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगी। सो ये वैसा है, तो बहुत हेल्पफुल है, और ये मानस और नेहा बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, 1.5 साल से, तो उनको ही हमने बोला था कि लिंक भेजो, तो उन्हीं के उससे हमने खरीदा है ये। सो अच्छा है, देख लेना, इनकेस आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, या फिर इनकेस यू वॉन्ट यू कैन वेट फॉर माई शॉर्ट। ये तो सुभाष ने अपने एप्पल आईफोन के लिए ये यूएसबी ए केबल उसको चाहिए था वो मंगाया है, डेटा केबल है। हाँ डेटा केबल दो मैंने ये मंगाए, एक आपको दिखा देती हूँ, चश्मा रखने का ये बॉक्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, दो सेम एग्जैक्टली सेम टू मंगाया मैंने, एक मेरा एक सुभाष का, तो इसमें सुभाष के सारे सन ग्लासेस हैं, अच्छा है, काफी क्वालिटी अच्छी है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें वो है कंपार्टमेंट्स हैं, आप चश्मा वगैरह रख सकते हो वैसा, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, अच्छी क्वालिटी का था ये। नेक्स्ट एक चीज जो मंगाई, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ मंगाऊ कि नहीं मंगाऊ, कैसा होएगा, पैसा वेस्ट तो नहीं होएगा, अब मंगा लिया है, यूज करूंगी फिर बताऊंगी कैसा है, वो है ये, सबने सुना होगा ये बूब टेप्स। सो बेसिकली ऐसा आपका अगर आप कुछ बैकलेस या फिर उस टाइप का पहन रहे हो जिसमें आपको ब्रा नहीं पहनना, तो उसके लिए है। सो तो मैंने जो मंगाया इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आई हैं, जो टेप है वो तो है ही इस हिसाब से, ठीक है ये टेप हो गया। नेक्स्ट जो है साथ में इसके ये चीजें आई हैं, एक तो वो बॉडी टेप जो होता है ना, वो स्टिक करने के, जैसे कपड़े कहीं से खिसक रहे हो, आपने सबने देखा ही होगा, अब तो सबको पता चल गया होगा, तो उस टाइप का ये टेप है, स्किन के साथ कपड़ों को पेस्ट करो, या फिर कपड़ों का बटन कहीं से खुल गया तो कपड़ों के ऊपर कपड़ों को लगा के आप उसको स्टिक कर सकते हो, वो है साथ में। और ये जब आप बॉडी टेप लगाते हो तो आपके जो निप्पल वाला एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये है साथ में, और ये है आपका स्ट्रैप, जैसे आप ब्रा का स्ट्रैप, यहाँ पे काफी पेनफुल होता है ना, काफी लॉन्ग में चुभता है, तो उसके लिए ये सिलिकॉन का ऐसा कुछ तो दिया गया है ऐसा। तो बहुत सारे बॉडी टेप्स के ऑप्शन थे, उसमें मुझे ये सही लगा क्योंकि इसके रिव्यूज भी सही लगे मुझे, और इसमें साथ में ये सब चीजें भी थी, तो आई थॉट कि मुझे ये एक्स्ट्रा अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी एक दो चीजें और आनी है, वो भी हेल्पफुल है काफी चीजें, तो वो जैसे जैसे आते जाएगा मैं दिखाते जाऊंगी अपने ब्लॉग में। तो सुभाष गए ऑफिस और अनन्या आ गई घर, तो एक इंसान गया और एक जानवर घर आ गया मजाक कर रही हूँ बिकॉज मुझे इस पर भी कमेंट आ जाते हैं कि अपनी बेटी को ऐसे मत बोला करिए आप, सो जस्ट किडिंग, लाइक पुल करते हैं उसका मैसेज। आंसर शीट आ गया अनन्या के, अभी सारे सब्जेक्ट के मैंने ऊपर फोल्ड किया हुआ है बिकॉज वहाँ पे उसका स्कूल का नेम रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये सब करती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं ना कोई बात नहीं। ओहो देखो भाई स्टार मिलते हैं हमारी बेटी को, 5 out of 5 गुड जॉब। ओह कितनी अच्छी धूप आई है, अरे आज स्कूल में भी कितना मस्त धूप आया। हाँ क्या हाँ। क्या पहले बारिश, धूप जब होती तो बारिश मस्त लगता है, अब बारिश हो रही तो धूप मस्त लगता है, तो मैंने ये प्लांट को भी यहाँ पर रख दिया, अभी थोड़ी इनको ना वो लग जाएगी, धूप लग जाएगी और अच्छी हवा भी आ रही है ठंडी ठंडी।
मतलब ऐसा बादल क्यों रखा है, लेकिन धूप भी आ रही, कहीं ना कहीं रेनबो पक्का होगा, बट स्टिल मेरे कपड़ों को थोड़ी सी धूप मिल जाएगी। हेलो, चलो मैं सोने जा रही हूँ, आप पढ़ाई करो, सीधे बैठो, सीधे उठो, चलो। मैंने को दिया थोड़ा सा पढ़ने के लिए, बिकॉज अभी एनी टाइम हाफिली का भी शेड्यूल आ ही जाएगा, तो अनन्या अभी पढ़ने वाली है और मैं सोने वाली हूँ, ठीक है? ओ अनन्या उठो, अब ठीक है, लग जाएगी उठो। वीडियो एडिट करने बैठी हूँ, अनन्या सो गई है, सुभाष ऑफिस से जस्ट आए हैं, अभी टाइम देखो हो रहे हैं 10:45। सो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मॉर्निंग में आज क्या है, आज क्या सुभाष, वेंसडे, थर्सडे है, कल मॉर्निंग में फ्राइडे को ऑफिस जाने वाली हूँ। मैंने सुभाष की तरफ नजर जा रहा था, ऑफिस कर रही हूँ, तो कल सुबह व्लॉग जाएगा, तो ये व्लॉग ओवर द टाइम आई थिंक 2-3 दिन में बना है। सो आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा, और अनन्या के बर्थडे में आपने बहुत सारे विशेस दिए थे, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।